हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज बूस्टिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं। अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें जो है सीखेंगे इस वीडियो से आप। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बात मैं हमेशा की तरह आप फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप जो है टेक्निकल वीडियोस पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ जो आपके नॉलेज को बूस्टअप करता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं और अगर आप एग्रीकल्चर को समझते हैं, फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, फिर चाहे आप जो है आईटीआई के स्टूडेंट हों, चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट हों, या फिर आप जो है इंजीनियरिंग या फिर जो है आप ग्रेजुएट इंजीनियर्स हों, तो एक चीज़ सभी लोग जानते हैं कि जो कि जो है इंडस्ट्री में हमेशा बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अगर आप प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में तो जाहिर सी बात है कि मशीनों में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन भी करना होता है। कहने का मतलब कि मशीनों का मेंटेनेंस जो बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विदाउट एनी ब्रेकडाउन आपकी मशीन लाइफ लॉन्ग चलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वेयर टियर समय समय पर आते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट फिर भी जो है हम उसको मेंटेनेंस के जरिए जो प्रोडक्शन लॉस है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा जो है इसी टॉपिक पे है कि जो है हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि जो है मेंटेनेंस कितनी तरह का होता है और हम उसको कैसे करते हैं, उसमें किस मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो मेंटेनेंस होता है, बेसिकली उसको जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो पहला मेंटेनेंस कैटेगरी में आता है वो है हमारा रिएक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और दूसरा जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, या इसको शेड्यूल मेंटेनेंस के भी नाम से जानते हैं, और तीसरा है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और चौथा है हमारा प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, और पांचवा है हमारा रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। तो इन पांचों के बारे में हम सीक्वेंसली जानेंगे कि किस मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, रिएक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे कि कोई भी मशीन रन कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर मशीन जो है चलते चलते उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ सकता है, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ सकता है, और जिसकी वजह से आपकी मशीन जो है टोटली वो खड़ी हो गई, मतलब अब वो प्रोडक्शन नहीं दे रही है, बंद हो गई आपकी मशीन। तो अब ऐसी कंडीशन में जो हमारा मेंटेनेंस हम करेंगे कि मशीन ने जो है पूरा प्रोडक्शन देना टोटली एकदम बंद कर दिया है और अब हमको उस मशीन का मेंटेनेंस करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिजॉल्व करना है, तो ये जो कैटेगरी है मेंटेनेंस की, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, इस तरह का मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, और इस चीज़ को जो है, इस तरह के मेंटेनेंस को जो है अवॉइड करने के लिए बहुत सारे दूसरे तरह के मेंटेनेंस जो है डिसाइड किए गए हैं, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में अभी जानेंगे। तो आपने समझा कि जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में होता यह है कि हमारी मशीन टोटली जो है प्रोडक्शन देना बंद कर देती है, और ऐसी कंडीशन में हमको जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उसमें जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में मशीन क्या प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करके और उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर उसमें ज़रूरत है स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस करने की तो वो करते हैं, अगर रिपेयरेबल है तो रिपेयर करके उसको फिर से इंस्टॉल या फिट करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि जब मशीन कंटिन्यू हमारा प्रोडक्शन दे रही होती है तो जो है उसको हम एक मशीन को जो है एक शेड्यूल में जो है बांट करके, जैसे 3 महीने पे, 6 महीने पे, या फिर साल भर पे, एनुअल बेसिस पे, हम उसको जो है उसको कुछ प्रिवेंटिव तौर पर, यानी रोकथाम के तर्ज पर जो है हम उसको मेंटेनेंस उसका कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप जो है अपना बाइक जो है चलाते हैं और 15
100 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर के बाद सीधा सर्विस सेंटर लेके चले जाते हैं। और वहाँ पे वो क्या करता है, जो मैकेनिक होता है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि उसने जो है आपका इंजन ऑयल को रिप्लेस कर दिया, उसने आपके ब्रेक शूज को साफ कर दिए, ठीक है, और उसने जो है एयर फिल्टर को साफ कर दिया, ताकि आपके इंजन की फंक्शनिंग स्मूथली होती रहे और उसमें कोई जो है ऐसा सब जगह, मतलब जो उसके रोटेटिंग पार्ट है वहाँ पे जो है ऑयलिंग कर दिया, ताकि आपकी जो बाइक हो स्मूथली चलती रहे। तो ठीक ऐसे ही जो है मशीनों में भी होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पे हम एक उस मशीन का जो है एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि मशीन के किस किस एरिया में हम काम करेंगे। जैसे कि हाइड्रोलिक अगर पावर पैक लगा हुआ है तो उसके जो है फिल्टर्स वगैरह साफ़ करना है, उसके लुब्रिकेशन वगैरह देख लेना है मशीनों का, ठीक है, उसके बाद में उसके गाइड्स लाइट्स वगैरह जो है उनको साफ़ सफाई करके लुब्रिकेशन करना है। तो इस तरह से जो है एक चेकलिस्ट के हिसाब से जो है हम उसको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को उसको प्रिवेंटिव तौर पे उस काम को कर लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी हद तक हमारे जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को ये अवॉइड कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस है बेसिकली जो है ये, जो लोग अगर इंडस्ट्री में होंगे, फैक्ट्री वर्क मतलब कल्चर में अगर से जुड़े होंगे तो उनको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से पता होगी। और तीसरा जो है, आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा हमारा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम जो है जैसे मान लीजिए मशीन हमारा रन कर रही है, तो हर मशीन का अपना एक जो है नॉर्मल साउंड होता है, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अगर जो है जैसे कोई मशीन जो है चल रही है, जैसे उसका मोटर चल रहा है, उसका गियरबॉक्स चल रहा है, या चलते समय उसके जो है जो एक नॉर्मल साउंड है, अगर उससे हटके कुछ ऐसी अबनॉर्मल साउंड आती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो लगे कि यार कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज ये जो है थोड़ा अलग ढंग से जो है साउंड कर रही है, अलग ढंग से वाइब्रेट कर रही है, जैसे जो है कोई गियरबॉक्स है, तो हर बार तो गियरबॉक्स को हम खोल करके उसको सब जो है डिस्टर्ब करके तो नहीं चेक कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको कि जो है उसको अगर उसमें से कोई अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, या उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ओवरहीट हो रहा है, या कोई जो है उसमें जो है कुछ ऐसे दूसरे मतलब दूसरे टाइप का वाइब्रेशन टाइप में हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो इस तरह से हम उसको जो है प्रेडिक्ट करके और उस पर काम करके उस चीज़ को, ब्रेक डाउन को जो है हम उस तरह के जो मेंटेनेंस करते हैं वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के उसमें आता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। फ्रेंड्स चौथा पॉइंट हमारा है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई मशीन है और पुरानी पड़ चुकी है, और उसको हमको जो है नए सिरे से उसको रेट्रोफिट करना है और नए सिरे से उसको हमको जो है रिपेयर करना है, और ऐसी कंडीशन में जो है हम कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो है सेलेक्ट करते हैं जो बार बार मतलब उसी मशीन के हों सारी चीज़ें जो है, और हम उसको जो है एक नए तरीके से फिर से टोटली मशीन ही रिपेयर करते हैं, और उसमें जो है जो कमियां रही हैं इसके पहले वाली मशीन में जो चलते समय बार बार हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसको मॉडिफाई करके और एक इजीली अवेलेबल होने वाले स्पेयर पार्ट्स को जो है उसमें इंस्टॉल करते हैं, और इस तरह का जो मेंटेनेंस करके उसको एक नया रूप देते हैं मशीन का, वो हमारा जो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में आता है। और उसके बाद में हम पांचवा सबसे आखिरी में जानेंगे, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। रिलायबिलिटी मेंटेनेंस में फ्रेंड्स आप जैसे कि इसके जो है नाम से ही जो है समझ जा रहे होंगे कि जैसे हमारी क्या रिलायबिलिटी है, वैसे ही जब हम कोई नई मशीन लेके आते हैं और उस मशीन को हमको इंस्टॉल करना है, उसका कमीशनिंग करना है, तो कमीशनिंग के टाइम पे ही हम जो है उसको एक यूँ कह लीजिए कि उसको डिसाइड कर लेते हैं कि इस मशीन का मेंटेनेंस हम कब करेंगे। कहने का मतलब कितने आवर्स के बाद करेंगे, या फिर जो है क्वार्टरली बेसिस करेंगे, हाफ ईयरली बेसिस करेंगे, या फिर एनुअल बेसिस करेंगे। एक रिलायबिलिटी जो है हम अपनी जो है उस मशीन के प्रति जो एक मतलब एक तैयार कर लेते हैं कि हम इस टाइम टाइम पे इस मशीन का मेंटेनेंस करेंगे। तो इस तरह का जो मेंटेनेंस होता है वो रिलायबिलिटी मेंटेनेंस में आता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली जो है पाँच तरह का मेंटेनेंस होता है जो आपने जो है इसमें जाना, रिएक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। तो ये रहा जो है मेंटेनेंस के बारे में एक जनरल समरी, और आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा मेंटेनेंस के बारे में। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी अगर आप इसमें कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसमें कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप जो है और डीप में क्या चीज़ जानना चाहते हैं हमसे। फिर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लोरेट करूं और ताकि आप लोगों को जो है इजिली समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।